मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इंतहाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, पावर में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फाइंड की थी। और दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में यूनिट डिजिट से रिलेटेड यानी कि इकाई अंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? मतलब जो पहली 111 पूर्ण संख्याएँ हैं उनके योग का इकाई अंक हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ तो यूज होती है कि मतलब अगर हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था, अभी अगर इस सवाल में आ गया कि पूर्ण संख्याओं के योग को, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे क्या करें, यहाँ से वन से मान लें यानी कि वन, और वो वन से लेकर के और 111 तक के अंकों को जोड़ लें। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सवाल के अंदर कहा गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याएँ, मतलब एक वर्ड जो होता है वो सवाल की मीनिंग को चेंज कर देता है। अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो हैं वो जीरो से शुरू होती हैं, यानी कि जीरो से लेकर के जो 111 पूर्ण संख्याएं हैं वो उसका सम का आपको क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखिएगा, अगर जीरो से लेकर के 111 अगर सम संख्याओं की हम बात करेंगे तो जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये कहाँ तक जाएगा? प्लस 110। अभी 111 तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें जीरो भी है। तो उसने ये कहा है कि 111 तक नहीं बल्कि इस प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक जोड़ना है? 110 तक। ठीक है, अब इस सम का हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ से लेकर के, यानी कि आपने रूल पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि एक से लेकर के n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके सम का जो योग होता है, यानी कि उनका जो सम होता है उसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन टू। यानी कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि नेचुरल नंबर यानी कि एक से लेकर के एन तक प्राकृतिक संख्याओं के सम का फार्मूला क्या होता है, इवन का फार्मूला क्या होता है, ऑड का फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको आगे बताएंगे। बट यहाँ पर क्या है कि मैं एक से लेकर के एन तक की जो जितनी भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं उनके सम का फार्मूला क्या होता है? एन ब्रेकेट में एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि एक से लेकर के 110 तक। यहाँ पर जीरो को हम इस फार्मूले के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का होता है, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इसमें जीरो को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो एक से लेकर के 110 तक का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 मल्टीप्लाई 111 अपॉन टू, और जब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 एकम 5। कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 5। एक्चुअली 5 में जब हम जीरो जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 5। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनली यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या था कि मतलब 111 पूर्ण संख्याओं का हमें योग का इकाई अंक निकालना था। ठीक है, तो 111 जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से, अगर जो पूर्ण संख्या हमारी होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, और जीरो से स्टार्ट होने के बाद 110 तक अगर हम जाएंगे तो हमें 111 पूर्ण संख्याएँ मिलेंगी। जब एक से लेकर के 110 यानी कि एक से लेकर के एन तक की जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं उनके सम का फार्मूला क्या होता है? एन ब्रेकेट में एन प्लस वन अपॉन टू, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। तो चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम जो सवाल कर रहे हैं ना, इन सवालों को करने से पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में सारी चीज़ें, मतलब जितने भी रूल्स से हमने सारे रूल्स फाइंड, मतलब आपको सारे रूल्स बताए थे। तो इसीलिए मतलब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हमारी जो पिछली वीडियो है यानी कि यूनिट डिजिट का जो पार्ट वन है उसको आप देखिएगा। यूनिट डिजिट के पार्ट वन को देखने के बाद जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और उस वीडियो का यानी कि यूनिट डिजिट का जो पार्ट वन है उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए, अगर सिक्स है और मैंने बोला था ना कि सिक्स अगर यूनिट डिजिट होता और पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है, सिक्स। प्लस यहाँ पर कितना रहा है, फाइव। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर संख्या एक्स का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होता है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, फाइव। तो फाइव का पावर कितनी भी हो जाए लेकिन यूनिट डिजिट कितना रहेगा, फाइव। प्लस यहाँ पर क्या है, सेवन। सेवन का रूल क्या था कि अगर यूनिट डिजिट सेवन होता है तो उस केस में मुझे जो पावर है उसको सबसे पहले क्या करना होता है, फोर से डिवाइड करना होता है। जब हम इस पावर को फोर से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 और 4 × 1 = 4, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल होगा वो कितना बचेगा, 1, यानी कि 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 है, मैंने बोला था 9 की पावर अगर इवन होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 1, और अगर 9 की पावर ऑड होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 9। तो यहाँ पर 9 की पावर क्या है, इवन है। अगर 9 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 + 5 = 11 और 7 की पावर 1 का मान होगा 7, तो 11 और 7 = 18, यानी कि 18 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। तो चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन जिसमें हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5, और मैंने बोला था ना कि 5 की अगर मतलब संख्या x का यूनिट डिजिट 5 है तो उसकी पावर कितनी भी, यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। प्लस यहाँ पर अगर 1693 की पावर है 649, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3। अगर 3 आ रहा है तो बोला गया था कि 2, 3, 7 और 8 की अगर मतलब कहीं भी एक्स में आता है 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। एक्चुअली जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करते समय आप पूरी पावर को 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, यानी कि व्यवस्था नियम होता है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में संख्या चाहे कितनी भी बड़ी आपके पास दे रखी हो, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से डिवाइड होती है। इसीलिए अगर पावर कितनी भी बड़ी हो, आप केवल लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड कीजिएगा। अगर संख्या 4 से, अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। इसीलिए हम केवल लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 × 4 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और जब 1 बचेगा तो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो जाएगा। अगर 3 की पावर 1 हो जाएगा तो उसका मान कितना होगा, 3। तो यूनिट डिजिट भी आपका कितना हो जाएगा, 3। अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर अगर हम इधर आ जाते हैं तो जो 7339 की जो पावर है वो 1256 है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 9। तो मैंने बोला था कि अगर 9 की पावर इवन होती है तो इवन होने पर 9 की पावर इवन होती है, यानी कि 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 1। मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या है, 244 की पावर 311। मैंने बोला था कि अगर 4 की पावर जो है ऑड होती है तो ऑड होने पर यूनिट डिजिट का मान कितना होता है, 4। 4 की पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट का मान कितना होता है, 4। मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, 7। और 7 होने पर हम क्या करते हैं, पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और जब रिमाइंडर 3 आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 चढ़ा देंगे। मैंने बोला था ना कि x की पावर y दे रखी है, उसमें अगर हम इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर शेष बचता है, उस रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, संख्या x के यूनिट प्लेस के ऊपर एज ए पावर के रूप में लगाते हैं। ठीक है, तो 7 की पावर 3 हम लगाएंगे तो 7 की मुझे क्या करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 × 7 = 49 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9, और 9 × 7 = 63, 63 का कितना हो जाएगा, 3। तो अब इस 3 की यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपका ब्रेकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 = 8, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 8। अब इसको हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 में से 4 जा रहा है। अगर 1 में से 4 जा रहा है तो सीधी सी बात है कि 1 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, -3। अब माइनस का जो यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इस 1 है तो 1 से पहले भी कोई संख्या रही होगी। जब 1 से पहले भी कोई संख्या रही होगी तो हम वहाँ से क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो पूरा एक 10th डिजिट आता है, यानी कि दाई आती है। जब वहाँ से एक दाई आएगी इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। और जब 11 हो जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट माइनस का 3 आता है, अगर हम डायरेक्टली बात करें कि इस -3 में हम 10 जोड़ दें तो फिर भी कितना आ जाएगा, 7। अब हमने इसमें 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात होती है कि जो हम इधर से कैरी लेते हैं, यानी कि दाई लेते हैं, तो वो भी हमारी कितनी आती है, 10 की आती है। इसीलिए अगर यूनिट डिजिट आपका माइनस का आता है तो या तो आप इधर से कैरी लेके माइनस कर सकते हैं, और या आप डायरेक्टली इसमें 10 जोड़ सकते हैं, तब भी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका क्या हो गया 7, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3, तो 8 सत्ते 56, 56 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 6 18 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि 9 88 763, इसका मतलब जो पावर लगा है, अब जैसे देख लीजिए अगर ए की पावर एम और उसकी होल पावर एन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए की पावर एम उसकी होल पावर अगर एन है तो इसका मतलब होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। जैसे अगर ए की पावर 2 दे रखी है उसकी होल पावर 3 दे रखी है तो क्या हो जाएगा, 3 × 6, यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगी 6, तो ये मल्टीप्लाई तो दे रखी होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 9 88 763 कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 8 × 9 = 8 8 8 5, तो ये भी तो ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अगर हमको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को करेंगे 4 से डिवाइड, यानी कि दोनों पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 यानी कि 1 शेष रह गया, और 4 × 16 यानी कि यहाँ पर कितना बचा 1, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 4 × 8 और 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, यानी कि फाइनली जो इसका रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 होगा। तो अब जो यूनिट प्लेस है हमें उसकी पावर यानी कि 3 की पावर 1 कर देनी है तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए की पावर एम की होल पावर एन का मतलब होता है ए की पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो इन दोनों पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर 1 आया उसको हमने 3 की पावर 1 किया, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124 की पावर 372 और 124 की पावर 373, इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखिएगा ये क्या है, 4 वाला रूल, यहाँ पर हम 4 वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है 4, जब 4 यूनिट डिजिट होती है तो मैंने कहा था कि पावर अगर कितनी भी, मतलब पावर अगर इवन होती है तो वहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 4 दे रखा है और पावर क्या है इवन, तो पावर इवन होने पर हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, मैंने बोला था ना कि अगर पावर इवन है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या होना चाहिए 4 की पावर 2, अगर पावर ऑड है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए यानी कि 4 की पावर 1, अगर भाई पावर इवन होगी तो 4 की पावर 2 होगा, और 4 की पावर 2 का मान क्या होता है 16, तो 16 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 6, और 4 की पावर 1 होगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, तो फाइनली अगर 4 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, और अगर 4 की पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, यानी कि पावर यहाँ पर ऑड है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और अगर 10 हो जाएगा तो फाइनली इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा आपका 0, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर आपका क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता है तो 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, अगर 24 हो जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इक्वल टू 4, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 6 × 4 = 24 और 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58, इसमें हमें क्या करना है यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर कितना आया 7, मैंने बोला था ना अगर 7 की पावर दे रखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 जो पावर हमें दे रखी है उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। अब इस पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 4 × 3 = 12, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 3, माइनस अगर यहाँ पर 3 है तो 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान कितना होगा 9, और 7 की पावर अगर 3 दे रखी है तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 7 × 7 = 49 का 9 हो जाएगा, और 9 × 7 = 63 का कितना हो जाएगा 3, तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 को माइनस 3 में से हमको 9 घटाना है, तो मैंने भाई बताया था ना कि अगर हमें 3 में से 9 घटाना है तो इस 3 हम केवल यूनिट डिजिट ले रहे हैं ना, अगर इस पूरे को कर मतलब इसका अगर हम पूरा सोल्यूशन करेंगे तो इसमें 3 से पहले भी कोई अंक रहा होगा क्योंकि हम केवल बात करते हैं यूनिट डिजिट की, लेकिन अगर पूरा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 7 की पावर 95 का यानी कि 95 का, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके जो अंक रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें 3 में से 9 घटाना है, यानी 3 में से हमें 9 घटाना है, तो हम इधर से क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, जब हम इधर से कैरी 1 ले लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3
तीन की जगह कितने हो जाएंगे, 13। और जब तीन की जगह 13 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 4। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर करना चाहते हैं कि तीन में से जब आप 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6, और माइनस का 6 है तो आप इसमें डायरेक्टली कितना जोड़ दीजिए, 10। और जब आप इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अब मैंने इसमें 10 क्यों जोड़ा, 10 मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर आप इधर से जो कैरी लेते हैं वो भी क्या आता है, 10th डिजिट, यानी कि क्या आता है, कैरी, यानी कैरी के फॉर्म में आपका एक दहाई आता है, यानी कि पूरे 10 आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ से जो कैरी लिया था वो जो कैरी भी आपका 10th आता है, और मैंने इसमें डायरेक्टली भी कितना जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3, इसमें हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो 6 की पावर 15 यानी कि 6 की पावर 15 का अर्थ होता है, यानी कि अगर कहीं भी मैंने बोला था कि अगर 0, 1, 5, 6 की कितने भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है, 6 रहता है। तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। माइनस 7 की पावर कितनी लगी है, 4, ठीक है, 7 की पावर 4 लगी है। तो 7 की अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 = 49 का 9, और 9 × 7 = 63 का 3, और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 7 = 21, यानी कि कितना आ जाएगा, 1। तो फाइनली इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। माइनस यहाँ पर 9 की पावर 3 लगी है, और 9 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 9 की पावर 8 है, और अगर 9 की पावर 8 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 9, कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस का 10। फिर वही बात आ गई, 6 माइनस का 10, यानी कि अब 6 में से 10 को घटाना है भाई, तो ये या तो आप इधर से कैरी ले लीजिए, इधर से अगर आप कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा आपका, 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। या आप डायरेक्टली यहाँ पर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और बाद में उसमें आप अगर 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 6। दोनों क्या होंगे, वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 6। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10। इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर 5 की किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। 5 की अगर किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, मुश्किल से आपको 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। कैसे, देखिए, जब 5 की पावर 6 है यानी कि इसमें क्या होगा, 1 5 होगा, और आप 5 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब भाई अगर 6 की पावर 7 है यानी कि यहाँ पर एक 6 भी तो होगा, और अगर आप 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30, यानी कि 30, और 30 में क्या है, यूनिट डिजिट 0 है। तो मैंने बोला था ना कि अगर किसी भी मल्टीप्लाई में कहीं पर भी यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर 0 आ जाता है तो फिर पूरा सोल्यूशन, यानी कि पूरी मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी हो, उस जो मल्टीप्लाई का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 है, और 5 की अगर किसी भी मतलब सम संख्या के साथ यानी कि इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0। देखिए देखने में तो सवाल काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, मतलब बहुत बड़ी मल्टीप्लाई दे रखी है, देखने में तो ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको जो इसके बेसिक पॉइंट है, एक्चुअली जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताए थे कि जैसे अगर 5 की किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। तो मेरे को भाई देखना ना कि भाई अगर यहाँ पर एक 5 आ रहा है और कई सारे इवन नंबर आ रहे हैं, चाहे वो 2 हो 4 हो, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, बहुत सारे इवन नंबर आ रहे हैं, तो किसी भी एक नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और अगर एक बार यूनिट डिजिट 0 हो जाता है तो फिर पूरी मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 0 रहता है। तो फाइनली जो क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों ये आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 18 की पावर 19 की पावर 20 और दूसरा क्वेश्चन 32 की पावर 33 की पावर 34, इसमें आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना। अब जैसे कि ए की पावर एम की अगर होल पावर एन लिखी थी तो इसको आप लिख सकते थे ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, लेकिन अगर ए की पावर एम की पावर एन लगा हुआ है तो ये इसके बराबर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, ए की पावर एम की पावर एन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अब देखिए ये क्या हो गया 18 जो है हमारा क्या हो गया बेस, इसमें क्या 32 हमारा क्या हो गया ये बेस, और ये 19 की पावर 20 हमारी क्या है पावर, यानी कि 19 की पावर 20। अब पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। एक्चुअली जब हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारा जैसे रिमाइंडर होता है वो शेषफल जो होता है वो शेषफल 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव रिमाइंडर और नंबर 2 क्या होता है निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है जैसे कि मान लीजिए हमने 4 से 19 को डिवाइड हमने किया है तो 4 चौक 16, यानी कि 16 होने पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अगर हम बात करते हैं 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे क्या होता है 20, यानी कि अगर 20 होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो अगर हम कह दें कि हमारा माइनस 1 भी एक रिमाइंडर है और 3 भी एक रिमाइंडर है, तो माइनस 1 हमारा क्या है निगेटिव रिमाइंडर है। निगेटिव रिमाइंडर का अर्थ ये है कि जो 19 है इसमें अगर हम एक और जोड़ दें तो हमारा ये 4 से जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 4 पंजे 20 और 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अभी माइनस की 1 की पावर कितनी लगी हो 20, जब माइनस 1 की पावर कितनी है 20 तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 1। और रिमाइंडर अगर प्लस का 1 आ गया तो इसकी 8 की पावर हम चढ़ाएंगे प्लस का 1 और हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 8। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया 19 को 4 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 1 और माइनस 1 की पावर 20 है तो 20 का क्या हो जाएगा 1 और 1 की पावर जब 8 की पावर 1 चढ़ाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। फोर से डिवाइड करते समय इसमें 4 चौक 16 यानी कि हमारा कितना रिमाइंडर लेते 3 भी लेते, लेकिन 3 रिमाइंडर होने पर उसको कैलकुलेशन यानी कि 3 की पावर 20 को कैलकुलेट करना काफ़ी टिपिकल हो जाता। तो दोस्तों अभी जो आगे रिमाइंडर थ्योरम आएगी उसमें आपको बताएंगे कि निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और उसको कैसे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पर 32 हमारा क्या है बेस है, तो 32 की पावर 33 की पावर 34 यानी कि 33 की पावर 34 जो है वो हमारी क्या है पावर है। 33 की पावर जो 34 है इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 क्या होगा 32, जब 32 हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 की पावर लगाएंगे हम 34, जब 1 की पावर 34 होगी तो उसका मान कितना होगा 1 और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अगर हमारा 1 रिमाइंडर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 यानी कि जो हमारा बेस है उसका जो एक्स मानी की संख्या एक्स है उसका जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी कि 32 की पावर 33 की पावर 34 में जो 32 है वो हमारा बेस है और 33 की पावर 34 जो है वो हमारा क्या है पावर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो चलिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना है यूनिट डिजिट, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5 की पावर 5 6, यानी कि इस ऑर्डर में ये पावर जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इसका हमें क्या फाइंड करना है यूनिट डिजिट। अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल लग रहा होगा और ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है उसको फाइंड करने में काफ़ी टिपिकल होगा, पावर में मतलब 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सीधे सीधे बोल दें कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 0, तो बच्चे बोलेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो 10 आ रहा है, ठीक है, अगर ये 10 आ रहा है तो भाई मैंने बोला था ना कि अगर एक बार मल्टीप्लाई में कहीं भी यूनिट डिजिट 0 आ जाता है ना तो फिर उस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 आ रहा है इसीलिए इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा 0 होगा। अगर चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमने इस 10 को हटा दिया, अगर हमने इस 10 को हटा दिया फिर भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तब भी हम कहेंगे कि यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा इसका 0 होगा। अब बोले ऐसे कैसे होगा यूनिट डिजिट 0, तो देखिएगा मैंने बोला था ना कि अगर 5 की किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है और 5 की अगर आप 6 के साथ यानी कि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर एक बार यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो फिर पूरी मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो चलिए दोस्तों हमारी ये अगले दो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, यानी कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जो होता है, कल मैं आपको बताया था कि जैसे अगर फैक्टोरियल 1 है तो इसको ओपन करेंगे तो 1 होगा और फैक्टोरियल 2 है इसको ओपन करेंगे तो 2 होगा और फैक्टोरियल 3 है इसको ओपन करेंगे 2 × 1 होगा और इसको ओपन करेंगे तो 3 × 1 होगा और फैक्टोरियल 4 को अगर हम ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 1 होगा और अगर फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा।
ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि वन का जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, और अगर थ्री की बात करते हैं तो तीन दूनी छः हो जाता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। और अगर हम फैक्टोरियल फोर की बात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 24, और 24 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 4 होगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर जैसे ही यहाँ फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ऊपर पहुँचते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में भी 5 और 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, और फैक्टोरियल 5 से जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें 5 और 4 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, और एक बार यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि भाई देखिए 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, और 2 का कितना होगा, 2 होगा, और 3 का कितना होगा, 6 होगा, 4 का 4 होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अब फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब 0 की आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, अंक क्या आने वाला, 0 आने वाला, इसलिए जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई थी। मैंने बोला था कि पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 होगा जब एक बार 0 आ जाएगा। ये रूल केवल मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, क्योंकि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई ही 0 के साथ 0 होती है। अब ऐसा 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगी, लेकिन 1 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो अब 0 नहीं आएगा, तब वो 1 आएगा। इसीलिए यहां पर आपको इस साइन का ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस है ना कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अगर यहां पर प्लस है तो 1 है, तो 1 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1, और 2 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2, और 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6, और 4 का कितना हो जाएगा, 4। अब भाई आगे जितने भी यूनिट डिजिट होंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे 0 होंगे, यानी कि 5 का भी 0 होगा, 6 का भी 0 होगा, 7 का भी। अब 0 को 0 में अगर जोड़ेंगे तब तो 0 ही आएगा, 0 को अगर 0 में जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन 0 में अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे तब कोई संख्या हमें प्राप्त होगी। तो अब क्या होगा, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13, ये क्या हो गया, 13। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गया, 3, यानी कि 3। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5 से बड़े फैक्टोरियल अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनका यूनिट डिजिट सदैव क्या होगा, 0 होगा। ये आगे आपका कहीं तक भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक से ही ले, हो सकता है उसने फैक्टोरियल 7 से ले लिया और 7 से लेकर के आपको फैक्टोरियल 59 तक मल्टीप्लाई दे दी, यानी कि फैक्टोरियल 7 से लिया और फैक्टोरियल 59 तक मल्टीप्लाई कर दी, तब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 1 से तो है ही नहीं। लेकिन भाई इसमें भी तो सभी में क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 का भी मान यूनिट डिजिट भी 0 होगा ना, फैक्टोरियल 8 का भी यूनिट डिजिट 0 होगा, तो फैक्टोरियल 5 से जितने बड़े फैक्टोरियल हैं सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि अगर मल्टीप्लाई में सारे फैक्टोरियल दे रखे हैं और उसमें फैक्टोरियल 5 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर एडिशन में दे रखा है, इसीलिए जो चार फैक्टोरियल होते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इनका यूनिट डिजिट 0 नहीं होता है। इसीलिए अगर ये एडिशन में ये फैक्टोरियल भी आते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर क्या होता है कि यहां से इस क्वेश्चन को इतना हटा दिया जाता है, अगर इतना हटा दिया जाता है, अब पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 की मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट क्या होगा, तब आपको यहाँ से 0 हटा देना है और इनकी आपस में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 2 की 6 से करेंगे 2 × 12 के 2, और 2 की 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, यानी कि फाइनली अब इस क्वेश्चन का जो शेष क्वेश्चन बचा है इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 8 होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यानी कि फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 और फैक्टोरियल 5 की पावर 5, और ये कहाँ तक जा रहा है, फैक्टोरियल 100 की पावर 100 तक। तो अब हमें इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था ना कि फैक्टोरियल यहाँ से, यानी कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक, यानी कि कहीं तक भी जाते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के अगर इन्फाइनाइट तक जाते हैं तो वहाँ पर जो इनका यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट एक बार 0 आ जाता है तो फिर पावर चाहे उस पर कितनी भी चढ़ा दीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा।
तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए 5 है, यानी कि 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, यहाँ पर जैसे कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, और इसके ऊपर फैक्टोरियल 5 की पावर में, यानी कि एक फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, 120, यानी कि इसकी पावर कितनी है, 120, लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट निकल करके आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसे यहाँ तक फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे तो जितने भी यूनिट डिजिट निकल करके आएंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो इन सबको ऐड करने पर भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि फैक्टोरियल 5 से आगे, यानी कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 4 से लेकर के जितने छोटे फैक्टोरियल हैं। अब फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1, और पावर भी कितनी हो जाएगी, 1। और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, पावर कितनी हो जाएगी, 2। फैक्टोरियल 3 की पावर कितनी, 3 का मान कितना होता है, 6, और 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 24। अब 1 अगर है तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। अगर 2 है तो 2 × 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। मैंने बोला था 6 की पावर कितनी भी हो जाए लेकिन यूनिट डिजिट कितना रहता है, 6, तो इसका कितना यूनिट डिजिट होगा, 6। अगर 4 की बात करते हैं तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 × 16, यानी कि 6, और 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी, जहाँ पर ऑड पावर होती है वहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। इन सभी को जोड़ देंगे, 6 × 4 = 10, और 6 × 1 = 7, और यानी कि 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 17। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 7। यानी कि यहाँ पर एडिशन दे रखा था, तो एडिशन के केस में क्या था कि यानी कि फैक्टोरियल 5 से जितने बड़े फैक्टोरियल थे उनका सभी डिजिट कितना था, 0। और अगर फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 से जितने भी नीचे हैं उनको हमने सभी को ऐड कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई आ जाती है, यानी कि एडिशन को हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, मल्टीप्लाई लगा दी जाती है, यानी कि गुणा लगा दी जाती है, तो सीधी सीधी बात है कि अब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब जो आगे वाला क्वेश्चन आपका है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सभी की मल्टीप्लाई दे रखी है, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई में अगर एक बार यूनिट डिजिट 0 आता है तो पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल, और 234 की पावर फैक्टोरियल 973। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 3। तो मैंने 2, 3, 7, 8 के केस में क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो आपको क्या करना है कि पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमको इसके यूनिट डिजिट की पावर में चढ़ाना है। अब यहाँ पर क्या आ गया, फैक्टोरियल 234। अब भाई फैक्टोरियल 234 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 234 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आपने फैक्टोरियल को, यानी कि फैक्टोरियल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल मैंने कल बताया था, फैक्टोरियल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n लिखा है, तो फैक्टोरियल n से लेकर के आपको फैक्टोरियल 1 तक सभी अंकों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जो फैक्टोरियल 234 लिखा है इसका भी अर्थ तो ये होगा कि फैक्टोरियल 234 को जब हम यहाँ से फैक्टोरियल 234 लेंगे, और फैक्टोरियल 234 से लेकर के हमको 234 से लेकर यानी कि 1 तक हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 234 से लेकर के हमको कहाँ तक, 1 तक मल्टीप्लाई करनी है। और जब 1 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि फैक्टोरियल 234 से लेकर के हम 1 तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। और इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है तो बटे में क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि इस 4 से क्या कट जाएगा, 4 कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 या 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके 4 से डिवाइड होंगे, क्योंकि इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि 4 का ये मल्टीपल आएगा, यानी कि गुणन, एक गुणक आएगा, 4 का ये गुणक होगा। यहाँ पर 4 जो है वो उपलब्ध है, और जब ये 4 यानी कि 4 यहाँ पर उपलब्ध है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या कट जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये 234 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 234 ही नहीं बल्कि 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो आपके क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई संख्या 4 से डिविजिबल होती है, जब कोई संख्या 4 से डिविजिबल होती है और आपका रिमाइंडर कुछ भी शेष नहीं बचता है, तब आपको यूनिट डिजिट की पावर में क्या चढ़ाना रहता है, 4 चढ़ाना रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए 234 आ रहा है, 234 जो है वो आपका 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। जब 234 4 से पूर्णतः डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर क्या चढ़ाएंगे, 4। और यहाँ पर क्या है, 234 की पावर 4। अब 234 की पावर 4 है तो ये क्या है,
कितना लिखा हुआ है 973, किस में लिखा हुआ है फैक्टोरियल में। जब 973 फैक्टोरियल में लिखा हुआ है तो ये भी 973 भी 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा। जब 973 भी 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4। 973 भी 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4। जब आप 3 की 4 बार गुणा करेंगे 3 × 3 × 3 तो 3 × 3 = 9, इसका 9 हो जाएगा, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 का 7 और 7 × 21, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। और 4 की पावर इवन है तो 4 की पावर इवन होने का इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। और फाइनली इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। तो कहने का अर्थ ये है कि फैक्टोरियल यानी कि पावर अगर हमारी फैक्टोरियल में लगी हुई है तो वो अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी है तो वो 4 से जो है पूर्णतः हमेशा डिवाइड होगी, 4 से वो पूर्णतः डिवाइड होगी क्योंकि उसमें 4 जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 6। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 32 की पावर 34, 68 की पावर 97 फैक्टोरियल और 24 की पावर 58, 57 की पावर 98, 1085 − 293। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फैक्टोरियल अगर कहीं भी पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर इसकी भी पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसकी भी पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। तो पावर में फैक्टोरियल होने पर अगर आपका यहाँ पर जो एक्स होती है यानी कि जो संख्या होती है उसका अगर यूनिट डिजिट 156 है तो पावर में फैक्टोरियल कुछ भी आ जाए हमको उससे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब यूनिट डिजिट 0156 होता है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट क्या होता है सेम आ जाता है। और अगर आपका 4, 9, 2, 3, 7 और 8 इनमें से अगर कोई अंक आता है यूनिट डिजिट और पावर आपकी फैक्टोरियल में है, अगर इनमें से कोई अंक आता है और पावर अगर आपकी फैक्टोरियल में है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर वो फैक्टोरियल आपका 4 या 4 से बड़ा है तो वो तो पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर फैक्टोरियल 2, 7, 4 आ जाता है तो अब इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट तो डिवाइड कर नहीं सकते भाई, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्टोरियल केवल ये 374 ही नहीं बल्कि 374 से लेकर के हमको 1 तक की मल्टीप्लाई करनी है, यानी इसको पूरा खोलना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब इसको हम खोलेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं 4 आएगा। अब जब 4 आएगा तो ये पूरी जो है वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, और जब ये 4 से डिविजिबल होगा तो उस समय मैंने आपको बताया था जब 4 से डिविजिबल होता है रिमाइंडर 0 होता है, उस केस में यूनिट डिजिट की जो एक्स संख्या एक्स होती है उसके यूनिट डिजिट पर पावर कितनी चढ़ाते हैं 4 चढ़ाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जहाँ पर भी 4, 9, 2, 3, 7, 8 आएगा तो वहाँ पर आपको यूनिट डिजिट की पावर में कितना चढ़ाना होगा, पावर कितनी 4 चढ़ानी होगी जब फैक्टोरियल आपका 4 या 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, 32 की पावर 34, जब 32 की पावर 34 आपके पास दे रखा है तो अब क्या करना है, पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जब पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 32, 32 यानी कि कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया, और 2 की पावर 2 लगाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल में कितना लगा हुआ है 97, यानी कि फैक्टोरियल 97 तो 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, और 4 से डिविजिबल होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 की पावर कितनी लगाएंगे 4, यानी कि 8 की हमको 4 बार क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 × 2 = 64 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 = 32 और 2 × 8 = 16, यानी कि फाइनली इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 6। अगर बात करते हैं 24 की पावर 58 तो यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट 4, और 4 की जो पावर है वो हमारी क्या है इवन, अगर 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है 6। अगर हम बात करते हैं 57 की पावर 98 तो ये भी 98 भी आपका 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, जब ये 4 से डिविजिबल होगा तो हमको 7 की क्या करनी है 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जब 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा 7 की पावर में क्या चलाना पड़ेगी 4 चलानी पड़ेगी, तो 7 × 7 = 49, 9 × 9 = 63, 3 और 3 × 7 = 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1085 − 293। ठीक है, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16 यानी 6 × 36, और 36 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, और 6 × 24 = 24 का कितना हो जाएगा 4, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा आपका 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1085 − 293, ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 1085 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 − 293। अब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 में से आपका 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 6। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आया आपका 6। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमने फाइंड किया तो कितना आया आपका 6।
तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 124 की पावर 124 के की पावर है 72 और उसका यूनिट डिजिट हमें दे रखा है 6, देन k इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि हमको k का मान फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए 124 के की पावर क्या लगी हुई है, k की पावर लगी हुई 72 यानी कि 72। अब देखिए ये 72 क्या है, 72 हमारा 4 से डिविजिबल है, और अगर जब 4 से डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब रिमाइंडर अगर 0 आएगा, पहली चीज़, अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे, जब हम ऑप्शन की तरफ इस क्वेश्चन को ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो तो अभी बता नहीं सकते, दूसरा ऑप्शन भी नहीं बता सकते, लेकिन 6 मैंने आपको बोला था कि अगर जहाँ भी 6 होगा, ठीक है, और अगर 6 की पावर कितनी भी हो, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, 6 ही रहता है, और यूनिट डिजिट भी हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो भाई अगर यहाँ पर 6 हम रखेंगे, पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पावर कितनी है, 72। अगर हम इसमें केवल अगर 4 विकल्प दे रखे होते तो हम इसको केवल 6 का देखते, लेकिन यहाँ पर एक विकल्प ये भी दे रखा है कि ऑल यानी कि सभी सही हो सकते हैं, तो देखिए इसको भी चेक करेंगे हम, यानी कि 8 दे रखा है, और यहाँ पर जो 72 है वो हमारा 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, जब ये 72 4 से डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो पावर में कितना आएगा, 4 आएगा। जब पावर में 4 आएगा तो हम केक की जगह अगर 8 रख करके देखेंगे तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, 4, और 8 की पावर 4 जब हो जाएगी तो 8 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 64 का 4, 4 8 32 का 2 और 8 2 16 यानी कि 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो मैंने बोला था ना 2 में भी आपको पावर चढ़ानी पड़ेगी, जब आप 2 में पावर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, जब 2 में पावर चढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 4 2 8 2 16, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 6, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आल, यानी कि यहाँ पर 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, 6 तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, यानी कि 6 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो भाई 6 की पावर कुछ भी हो, मान कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, हमने 8 को चेक किया, 8 को चेक हमने कैसे किया, यानी कि जो 72 पावर है वो हमारी 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, जब 4 से पूर्णतः डिविजिबल है तो हमने यहाँ पर जब 8 की पावर क्या लगाएंगे, 4, और यहाँ पर 2 की पावर क्या लगाएंगे, 4, जब 8 की पावर 4 लगाई और 2 की पावर 4 लगाई तो उसका मान भी कितना आया, यूनिट डिजिट 6 आया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, आल, यानी कि 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 433 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 43n का जो इकाई अंक है वो कितना है, n प्लस 2 है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, n का मान फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 43n। ठीक है, अब देखिए हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, इसके जो यूनिट डिजिट है उनकी करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 6 18, उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8, और जब 8 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8n, यानी कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है, 8n, बट सवाल में कहा जा रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, n प्लस 2, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि n प्लस 8n है और ये बता रहा है n प्लस 2 है। ठीक है, तो ऐसा कोई विकल्प ढूंढेगा कि जिसमें दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो समान आ जाए, भाई यहाँ पर इन्होंने n प्लस 2 की फॉर्म में यूनिट डिजिट आ रहा है और हमारा 8 है यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में यूनिट डिजिट आ रहा है, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन मतलब वो ढूंढेंगे हम जिसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, दोनों का बराबर आएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 8 1 8 यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8, लेकिन अगर हम यहाँ पर रखेंगे 1 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और अगर हम 8 रखते हैं तो 8 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 8 2 64, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4, और अगर 8 यहाँ पर रखते हैं तो 8 और 2 10, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 8 24 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4, और 3 2 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट 5, यानी कि ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 रखने पर देखिए कितना आ रहा है, 48, और यहाँ पर भी 6 रखें तो कितना आएगा, 8, यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 8 होगा, इसका यूनिट डिजिट भी 8 होगा। तो कहने का अर्थ है कि इस विकल्प इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इनके यूनिट डिजिट की आपस में करनी है मल्टीप्लाई, जब इनके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8n आ रहा है, और सवाल कह रहा है कि n प्लस 2 है, तो इन चारों विकल्पों में से हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे कि यहां पर जो हम n का मान रखें और यहां पर n का मान रखें तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या आए, सेम आए। तो इन चार विकल्पों में हमारा 6 ऐसा है कि यहां पर जब हम रखते हैं तब भी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और यहां पर रखते हैं तब भी यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोस्तों चलिए ये यूनिट डिजिट का यानी कि आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 3
कि पावर n का यूनिट डिजिट अगर 7 है तो 777 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर 3 की पावर n का यूनिट डिजिट हमें क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। अब अगर 3 की पावर n का मान 7 इसका यूनिट डिजिट आ रहा है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, यानी कि 3 का जो पावर का मान है वो 4 के बाद रिपीट होता है, यानी कि 4 पावर के बाद 3 का मान रिपीट होता है। अब देखिए यहाँ पर n दे रखा है, अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 3 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर हम 3 की पावर 2 रखते हैं यानी कि n का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 9। अगर हम 3 की पावर 3 रखते हैं तो 9 × 3 = 27, और अगर हम 3 की पावर 4 रखते हैं तो 3 × 7 = 21, यानी कि 1। तो आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 3 यानी कि जब हम n का मान 3 रख रहे हैं, n का मान 3 रखने पर हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जब n का मान रखने पर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट n का मान कितना होगा, 3 होगा। जब हम इसमें n का मान 3 रखेंगे यानी कि 7 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 777 यानी कि 7 × 7 = 49 का 9 और 9 × 7 = 63 का 3, यानी कि फाइनली जो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें इस पार्ट से कोई मतलब नहीं, हमको केवल मतलब किससे, यूनिट डिजिट से। ठीक है, जब 3 की पावर n लगा हुआ है हमारा और हमारा 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि हर 4 पावर के बाद 3 का जो मान होता है वो रिपीट होता है। जैसे 3 की पावर 1 का मान 3 है, 3 की पावर 2 का मान 9 है, 3 की पावर 3 का मान 7 है और 3 की पावर 4 का मान 1 है। तो अब दिख रहा होगा आपको कि 3 की पावर 3 का मान कितना है, 7 है, यानी कि n का मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर भी यानी कि n का मान कितना होगा, 3 होगा। जब यहाँ पर n का मान 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब एक बिल्कुल मतलब लो लेवल से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन तक के मैंने कराए थे आपको, और इसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन थे, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर में इकाई अंक ज्ञात करना या फिर मल्टीप्लाई में इकाई अंक ज्ञात करना, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। दोस्तों मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो यूनिट डिजिट पर जो मतलब आपको प्रोवाइड की थी, उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको केवल क्वेश्चंस ही कराए हैं, और इससे पहले जो मैंने वीडियो इसमें डाली यानी कि पार्ट वन है जो यूनिट डिजिट का, उसमें आपको रिलेटेड जितने भी हैं यानी कि फैक्टोरियल में यूनिट कैसे ज्ञात करते हैं और जो हमारी पावर होती है उसमें यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में आइडेंटिफाई की। बताना चाहूँगा कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर उस लिंक पर जाकर के और हमारी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, तब आपको बिल्कुल डिटेल में यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा कि यूनिट डिजिट को हम कैसे बहुत ही जल्द अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।